दिस वीडियो रिक्वेस्टेड बाई प्रिया चक्रवर्ती। दोस्तों मैं हूं शफीक और स्वागत है आपका सीमांचल मीडिया क्लिप्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने एक परफ्यूम का रिव्यू किया था जो कि अजमल कंपनी का था, जिसका नाम 1001 नाइट है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वही वीडियो में मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किए कि आप ये बताइए कि हम अतर को कैसे लगा सकते हैं, अतर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में ही उसने ये भी पूछा है कि डार्क अतर को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और लाइट अतर को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही चीज के बारे में बताऊंगा कि आप अपने बदन और अपने कपड़े पे डार्क अतर और लाइट अतर और परफ्यूम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिना आपके कपड़े पे दाग लगे हुए, आपके कपड़े पे दाग भी नहीं आएगा इस ट्रिक को अगर आप यूज करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक परफ्यूम है और ये मेरे पास एक अत्तर है, और दोनों चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यही परफ्यूम का मैंने कुछ दिन पहले रिव्यू किया था, तो दोनों चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको अपने कपड़े पे और अपने बदन पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस अत्तर की, कि ये अत्तर को हम अपने कपड़े और अपने बदन पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है कि ज्यादा डार्क अत्तर नहीं है और ज्यादा लाइट भी नहीं है, ये मीडियम क्वालिटी का है। तो आपको सबसे पहले इस तरह से अत्तर को खोलना है। खोलने के बाद आपको इसके अंदर से जो ये निकालने का ये जो इसके अंदर आता है स्टिक, इस तरह से आपको स्टिक में थोड़ी सी अत्तर लेनी है इस तरह से, और उस अतर को अपने यहां पे लगाना है, यहां पे आपको लगाना है इस तरह से, और उसके बाद इस तरह से आपको थोड़ा सा मल लेना है। उसके बाद साइड में आप इस तरह से यहां पे घस लेंगे और ये हाथ को यहां पे लगा लेंगे इस तरह से, और दूसरे हाथ को इस तरह से यहां पे आप लगा लेंगे। और दूसरा तरीका यह है कि इस स्टिक को आप यहां पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको कपड़े पे लगाना है तो आप यहां पे अपने हथेली पे इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे, उसके बाद ये दोनों हथेली को आप इस तरह से मल लेंगे। उसके बाद कपड़े पे लगाना है तो इस तरह से आप इस तरह से लगा लेंगे कोई पूरे कपड़े पे, और पीछे भी इस तरह से हाथ फेर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से होगा क्या कि अतर में जो कलर होता है वो कलर आपके कपड़े पे नहीं लगेगा, वो यहाँ हथेली में लग जाता है। उसके बाद आप अपने कपड़े में इसको लगा लेंगे जिसकी वजह से दाग नहीं लगेगा। और एक प्योर ऊद जो आता है, जो अरबिक ऊद होता है, तो वो भी एक अजमल कंपनी का ऊद आता है जो कि बहुत डार्क होता है, तो वो ऊद को आप खास तौर से पहले हथेली में लगाएंगे इस तरह से अगर आपको कपड़े पे लगाना है, उसके बाद मल के वो ऊद को लगाएंगे अपने कपड़े। अगर डायरेक्ट आप इसको अपने कपड़े पे लेते हैं, इसको अगर अपने कपड़े पे लेते हैं इस तरह से डायरेक्ट अपने कपड़े पे लगाते हैं, तो ये आपके कपड़े पे दाग लगा देगा, आपके कपड़े पे स्टेन आ जाएगा। और इसी चीज को आप डायरेक्ट यहां पे भी लगा सकते हैं अपने इस तरह से यहां पे भी लगा सकते हैं, उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा इसको मल देंगे। और इसी अत्तर को आप यहां पे भी लगा सकते हैं, यहां पे आप लगा सकते हैं थोड़ी सी, आप यहां देख सकते हैं यहां पे लगा लेंगे। उसके बाद फिर इसको इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से टच करने के बाद इसको यहां पे आप इस तरह से लगा सकते हैं, फिर यहां पे लगा सकते हैं, फिर यहां पे इस तरह से पेशानी पे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं ये परफ्यूम की, कि हमको परफ्यूम को कैसे अप्लाई करना होता है अपने बदन पे और अपने कपड़े पे। तो परफ्यूम को अप्लाई करने के लिए आप अगर बहुत ही जो है कि डार्क परफ्यूम, जो है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम अगर यूज करते हैं, तो उसको आपको दो बार या एक बार ही अप्लाई करेंगे अपने कपड़े या बदन पे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा होता है। और अगर आप कुछ लोगों के बीच गुजरते हैं तो कुछ लोगों को वो बर्दाश्त नहीं होता है, जैसे अरबिक परफ्यूम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये परफ्यूम आपको अप्लाई करने के लिए आपको कुछ इतना डिस्टेंस रखना होगा आपने, तो यहाँ पे मारना है, एक यहाँ पे मारना है, एक यहाँ पे मार लेना है, तो थोड़ा डिस्टेंस रख के कम से कम 5 या 6 इंच, तो इस तरह से एक बार उसको अप्लाई कर लेना है, फिर ये साइड में रखेंगे इस तरह से,
आप ये देख रहे हैं इस तरह से, तो इस तरह से अप्लाई कर लेना है। तो ये आपका परफ्यूम लगाने का तरीका हो गया। और चेस्ट पे थोड़ा सा आप इस तरह से मार सकते हैं, ये दोनों साइड में चेस्ट में आप इस तरह से मार सकते हैं परफ्यूम को। दोस्तों ये जो जितने तरीके मैंने बताए हैं, इन तरीकों से मैं खुद जो है कि यूज करता हूं, मैं खुद इसी तरीके से लगाता हूं, और ये कॉमनली यूज होता है जो मैंने आपको बताया, और मैं खुद इसको इस्तेमाल करता हूं, ये ट्रिक को मैं खुद यूज करता हूं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से और भी वीडियोस देता रहूंगा।